आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फिल्मोरा में वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। और ख़ास तौर पे हम अमेज़ोन की जो वीडियो है, अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग की, वो वीडियो कैसे हम यहाँ एडिट कर सकते हैं जो कॉपीराइट भी ना आए, और हमारी यूट्यूब पर वो अगर वीडियो डालेंगे वो सेल भी बढ़ेगी और यूट्यूब का एडसेंस भी मोनेटाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, फिल्मोरा खोलना है। यहाँ हम इम्पोर्ट करेंगे। क्या इम्पोर्ट करेंगे, पहले पहले हमने एक वीडियो डाउनलोड की है वो इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ डाउनलोड में ये वीडियो इम्पोर्ट कर ली, और यहीं से हमने कुछ पिक्चरें डाउनलोड की हैं वो भी इम्पोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने वीडियो रख ली, अब आप करने क्या करना है कि सबसे पहले इसका नाम वीडियो का, ये जो साउंड इफेक्ट है इसको साउंड को डिटैच ऑडियो कर लेना है। इसके बाद वीडियो पर आपने क्लिक करना है और इसे वीडियो को इस कलर पर देना है और वीडियो का प्रीसेट जो है वो चेंज कर लेना है। मैं इसे कर लेता हूँ फुल। ओके, और जहाँ से वीडियो मैंने रखनी है वो चीज़ मैंने स्टार्ट करनी है। आज के वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये एरिया मैं कट कर दूँगा। वाला एरिया मैंने कट करना है ऑडियो का, और यहाँ से मैंने कट करनी है इतना तक वीडियो कट करनी है यहाँ तक, जितना मैंने ये भी ऑडियो कट कर देनी है। पहले मैं ऑडियो कट कर दूंगा और यहाँ से मैंने वीडियो कट करनी है। ये वाला एरिया जो है मैंने वीडियो का भी कट कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि इसके फ्रंट यहाँ ये जिसको मैंने वीडियो को पूर्ण से थोड़ा सा किसी और शेड, इस शेड में ठीक है, यहाँ इस शेड में या इस शेड में देख लें ये भी ठीक है, इसका शेड चेंज कर लिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये फ्रंट पे ले आना है मैंने, और यहाँ मैंने पिक्चरें डाल देनी है, दो ऐसी पिक्चरें डाल देनी है जो आपके फ्रंट पर नज़र आए। एक ये दो, फिर ये जो पिक्चर है इनका मैंने टाइम भी कम कर लेना है, 5 सेकेंड से मैंने इसको 2 सेकेंड कर दिया, और इसको भी मैंने 2 सेकेंड कर दिया। और पिक्चर ये देखिए,
अब हमने क्या करना है, ये जो सोंड है इसको मैंने थोड़ा सा हल्का देना है और इसको सोंड को हल्का देना है और थोड़ी सी इसकी पेच को भी बढ़ा लेना है। ओके, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने किस जगह पे काट देना है, यहाँ पे मैंने काट दिया। तो मैंने ये जो चीचे रहेगी यहाँ रख दी, फिर ये पिक्चर का जो वो है साइज है वो मैंने कम कर लेना है, 2 सेकंड कर ले। और इसके अलावा मैंने क्या करना है कि आखिर में जो वीडियो ये बढ़ रही है यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा काट लेना है, वीडियो को काट लेना है, यहाँ से मैंने काट लगाया और ये वीडियो भी मैंने तो एक पिक्चर जो है वो मैंने ये वाली पिक्चर जो है मैंने यहाँ रख दी। यहाँ मैंने लिख दिया बस, इसके अलावा मैंने एक और टैबलिन क्रिएट कर दी, वीडियो टैबलिन। यहाँ मैंने टाइटल पे क्लिक किया, तो टाइटल पे ये एक टाइटल मैंने यहाँ लिख रख दिया। दूसरा ये टाइटल मैंने यहाँ रख दिया। इस स्टेप में मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ लिखा बेस्ट वेट लूज फॉर वुमेन, इसको मैंने 40 पे रख दिया और इसको कलर यहाँ से चेंज कर दिया, ये कलर ठीक नहीं है, ये वाला कलर ये ठीक है। इसके बाद मैंने ये देखें, ये दूसरी जो मैं ये हेडिंग लिखी थी यहाँ ये हेडिंग खत्म कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय लिंक इज वीडियो डिस्क्रिप्शन, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके बाद सिंपल सा स्टेप है कि आपने एक म्यूजिक लेना है उससे यूट्यूब से, यहीं से म्यूजिक ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये देखिए ऑडियो सेलेक्ट की और ये कोई म्यूजिक जो है ये वाला म्यूजिक है, ये मैं रख लेता हूँ नीचे। तो इस म्यूजिक को मैंने थोड़ा सा स्लो कर देना है, ओके कर दिया और यहाँ से ये म्यूजिक बढ़ रहा है, इसको मैंने काट देना है और इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। बस ये हमारी वीडियो बन गई। अब हमने क्या करना है, पिक्चर लगी इसके दरमियान में हमने अब क्या करना है, इफेक्ट लगाने हैं। 2 पिक्चरें मैंने रखी थी ट्रांजैक्शन,
मैन्युफैक्चर मैंने यहाँ रख दिया। ये ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ रख दी और दूसरी मैंने पिक्चर लगाई थी यहाँ। एक मैंने यहाँ रख दी। अब देखिए इसको चला के देखते हैं। एक में सफर कर दूसरी जो पिक्चर है वो कम आ रही है। यहाँ स्क्रीन अपने मुकम्मल कर लेते हैं। पहली पिक्चर देख लें, ये पूरी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको जो इसका वॉल्यूम हाई किया था ना, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा किया था, अब हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट पे इसको देंगे वेट लूज। ये MP4 है, बाकी सेटिंग ऐसे रहने देंगे। और यहाँ जो हमने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है ताकि हमारी ये वीडियो है वो डेस्कटॉप पे पहुंच जाए, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट हो जाएगी और म्यूज़िक भी अच्छा लग जाएगा, इफेक्ट भी अच्छे लग जाएंगे, प्रोडक्शन भी लग जाएगी और एलिमेंट्स भी हमने डाल दिए हैं और ऊपर लिखाई भी कर दी है। इस तरीके से आप वीडियो को एडिट करेंगे फिल्मोरा में। ये बगैर काफ़ी एडिट वीडियो होगी और यूट्यूब पर आसानी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।